हेलो फ्रेंड्स, आज हम डीसी मशीन डिज़ाइन के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आउटपुट इक्वेशन ऑफ डीसी मशीन को डिस्कस करने वाले हैं। आउटपुट इक्वेशन होती क्या है? डीसी मशीन के आउटपुट को, जो आउटपुट है उसको स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग, जिसको अपन ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था बी एवरेज से शो किया था, स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग जिसको एसी से शो किया था, इसके रूप में प्रदर्शित करने को आउटपुट इक्वेशन कहते हैं। किस तरीके से आउटपुट इक्वेशन लिखेंगे और आउटपुट इक्वेशन क्या होगी उसको हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। यदि हमने डीसी मोटर पढ़ी है तो उस केस में, जैसे ये अपना आर्मेचर है और इसके कम्यूटेटर है, ये समझो ये अपना दोनों ब्रश लगा दिए, कम्यूटेटर मैंने शो नहीं किया, इसके अंदर शो करने का तरीका यही है। और इस तरीके से ये अपनी डीसी संट मोटर है मान लीजिए, ओके, आर्मेचर रेजिस्टेंस भी शो कर दें। तो मोटर के केस में हम सप्लाई बाहर से देंगे, तो सप्लाई दी वी वोल्ट यहाँ से, प्लस डीसी सप्लाई देंगे प्लस माइनस वी वोल्ट सप्लाई दी, यहाँ से करंट गई उसको बोलते हैं आई, ओके। आर्मेचर के अंदर जो करंट जाएगी उसको बोलते हैं आई ए, आर्मेचर के अंदर जा रही इसलिए आई, ये फील्ड है, फील्ड के अंदर जाने वाली करंट को बोलते हैं आई एफ, ठीक है। यहाँ आर्मेचर के ऊपर जो वोल्टेज आया उसको बोलते हैं ई बी, इसको कहते हैं बैक ईएमएफ। तो ये तो केस था मोटर का, मोटर का। इसी तरीके से जनरेटर के केस में ये ब्रश शो कर दिए, दो ब्रश लगा दिए, सेम संट जनरेटर बना रहा हूँ, ये संट फील्ड हो गया। इस केस में ईएमएफ यहां जनरेट होगा और जनरेटेड ईएमएफ को ईजी कहेंगे, यहां से जाने वाली करंट आर्मेचर करंट है तो आईए ही कहलाएगी, कुछ करंट इधर चली जाएगी जिसको फील्ड करंट कहेंगे, कुछ करंट लोड के अंदर जाएगी उसको आईएल कह दो या आई कह दो, लोड पर मिलने वाले वोल्टेज को, टर्मिनल वोल्टेज को वी बोल देते हैं। जब मैं वर्ड मशीन यूज करता हूं, जैसे मैंने लिखा यहां पर डीसी मशीन, मशीन के अंदर दोनों आ जाते हैं, जनरेटर भी आ जाता है एज वेल एज मोटर भी, मतलब मशीन के अंदर दोनों आते हैं, जनरेटर भी मशीन है और मोटर भी एक मशीन है, ओके। तो मैं मशीन की बात कर रहा हूँ तो मैं, जो मेरी आउटपुट इक्वेशन होगी वो दोनों के लिए वैलिड होगी, तो इसके लिए ई जी लिखना होगा, इसके लिए ई बी लिखना होगा, तो मैं अलग अलग ना लिख के दोनों को ई ए से लिख देता हूँ, ई ए। अब ई ए जनरेटर के केस में ई जी है और मोटर के केस में ई बी है। आर्मेचर में आने वाली करंट यहां दोनों केस में आई ए लिखी है, तो करंट को मैं आई ए से ही डिनोट करूंगा। यहां जो पावर की बात है वो पावर आर्मेचर के अंदर प्रोड्यूस होने वाली पावर है कि आर्मेचर में कितनी पावर प्रोड्यूस हो रही है। यदि अपन बाकी सारे लॉसेज को नेगलेक्ट कर दें तो यही अपनी आउटपुट पावर हो जाएगी, यदि बाकी सबको नेगलेक्ट कर दें तो, ओके। तो स्टार्ट करते हैं पावर के फॉर्मूले से। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पी, डीसी के केस में पावर फैक्टर तो होता नहीं डीसी में, वी इंटू आई, पी इज कस्ट होता है, पावर इज कस्ट होता है वी इंटू आई। तो यहाँ वी क्या है? ई ए, और करंट कितनी है? आई ए, तो लिख दो पी इज कस्ट टू ई ए इंटू आई ए, और यूनिट क्या है? वाट। यदि मैं यूनिट को किलोवाट में लिखना चाहूँ तो इसको 1000 से डिवाइड कर दूंगा और यूनिट हो जाएगी हमारी किलोवाट, यूनिट किलोवाट कैसे भी 1000 से डिवाइड करने के बाद में, ओके। तो ये हो गया अपनी आउटपुट पावर पी। आर्मेचर की पावर है तो पी ए लिख लेते हैं इसको, तो पी ए इजकस टू ई ए इंटू आई ए इंटू, इसको 1000 जो डिवाइड में उसको लिख देंगे 10^-3, और यूनिट हो गई किलोवाट, ओके। ये जो ई एम एफ इक्वेशन है ई, वो लिख लेते हैं, हमें यूज आएगी, यहाँ देख लेते हैं इसको अलग से। डीसी मोटर के अंदर ईएमएफ क्या होता है? पी एन फाई जेड अपोन 60A, ओके। यहाँ पी क्या है? नंबर ऑफ पोल, पी क्या है? नंबर ऑफ पोल। कैपिटल एन क्या है? स्पीड, लेकिन स्पीड किस में है? इन आरपीएम, रोटेशन पर मिनट। यदि मैं स्पीड को आरपीएस, रोटेशन पर सेकंड में लिखना चाहूं तो उसको स्मॉल एन से लिख देंगे
और उसकी जो वैल्यू है कैपिटल एन डिवाइड बाई 60, अर्थात 60 से डिवाइड कर देंगे तो मिनट सेकंड में बदल जाता है। उसी तरीके से ये यूनिट हो जाएगी RPS, रोटेशन पर सेकंड। ओके, फाई क्या है? फ्लक्स पर पोल, एक पोल के द्वारा प्रोड्यूस की हुई फ्लक्स, फ्लक्स पर पोल। जेड क्या है? टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर इन आर्मेचर, आर्मेचर के अंदर कितने कंडक्टर हैं उनको बता रहा है अपना जेड। ओके, अब एक टर्म बच गई ए। ए क्या है? नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, पैरेलल पाथ। लास्ट लेक्चर में पैरेलल पाथ के बारे में मैंने बताया था। अब ए की वैल्यू हमेशा दो होगी, किस केस में? यदि वाइंडिंग है वेव वाइंडिंग, यदि वाइंडिंग वेव वाइंडिंग टाइप की है तो ए इक्वस टू टू होगा, और ए इक्वस टू नंबर ऑफ पोल, मतलब पैरेलल पाथ नंबर ऑफ पोल के इक्वल हो जाएगा। कब? जब वाइंडिंग कैसी हो, लैप, लैप टाइप की वाइंडिंग होगी, तब नंबर ऑफ पैरेलल पाथ पी के इक्वल होंगे। तो ये थी अपनी ईएमएफ इक्वेशन, पी एन फाई जेड अपॉन 60। यदि एन अपॉन 60 को एक साथ लिखना हो, आरपीएम में 60 का एक डिवाइड कर दिया, आरपीएस में बदल गया, तो इसकी जगह मैं स्मॉल एन लिख सकता हूँ, एन अपॉन 60 की जगह पर। ठीक है, तो इसको पुटअप कर देते हैं यहाँ पर। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, देखो पी ए इज इक्वल टू, ई ए की जगह रखो पी, अब मैं एन बाई 60 को स्मॉल एन लिख देता हूँ, फाई जेड अपॉन 60 चला गया, ए इंटू आई ए इंटू 10^-3, और यूनिट हो गई किलो वाट। ओके, अब इस इक्वेशन को किसकी टर्म्स में लिखना है, स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग एज वेल एज स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग के टर्म्स में ले जाना है। तो उन दोनों के फॉर्मूले देख लेते हैं सबसे पहले कि उन दोनों के फॉर्मूले हैं क्या, ताकि उनको वैल्यू यहाँ पर अपन पुटअप कर सकें। तो उन दोनों के फॉर्मूले यहां से देखते हैं, दूसरा पेज ले लेते हैं इसके लिए। ये देखो स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग, जिसको अपन बी ए वी से लिखते हैं, बी एवरेज से, वैल्यू थी उसकी पी फाई अपॉन पाई डी एल। तो अपने को कहीं पी फाई मिल जाए इक्वेशन में, तो उस पी फाई को लिख देंगे बी एवरेज, मल्टीप्लाई कर देंगे इधर बी एवरेज पाई डी एल। ठीक है, एक तो टर्म ये लेके आनी है हमें पी फाई इक्वेशन के अंदर, और पी फाई की जगह लिख देंगे बी एवरेज इंटू पाई डी एल। तो ये तो अपना एंटर कर गया कौन, स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग। इसी तरीके से स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग होती है, एसी की वैल्यू आई जेड इंटू जेड डिवाइड बाई, आई जेड करंट है, इसका नाम है आई जेड, है ना, आई जेड इंटू जेड डिवाइड बाई पाई डी। यदि इक्वेशन में कहीं आई जेड मिल जाए तो उस आई जेड इंटू जेड की जगह हम लिख देंगे ए सी, इसको जब मिलते मल्टीप्लाई कर देंगे ए सी इंटू पाई डी। तो हमें कहीं आई जेड इंटू जेड मिल जाए। अब यहाँ देखो आई जेड क्या है, आई जेड है करंट इन ईच कंडक्टर। तो कंडक्टर में जाने वाली करंट कैसे निकालेंगे, आई ए को डिवाइड कर दो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ से, तो आई ए अपॉन ए कर देंगे तो बन जाएगा आई जेड। ओके, तो आई ए अपॉन ए, मेरे को चाहिए क्या, आई जेड इंटू जेड, तो इधर भी जेड से मल्टीप्लाई करो, तो इधर भी जेड से मल्टीप्लाई करो, अर्थात ये टर्म मिल गई तो उसकी जगह मैं ए सी इंटू पाई डी पुटअप कर दूंगा। ओके, तो अब आते हैं अपने एक्चुअल उसके अंदर। देखो पी फाई बनाना है मेरे को सबसे पहले, तो ये पी रहा ये फाई रहा, इन दोनों को एक साथ लिख लो पी फाई आ गया। ओके, फिर आई ए अपॉन ए, तो आई जेड बन जाएगा ना, पी फाई तो ये हो गया, ये आई ए रहा ये ए रहा, तो इसको लिख दो आई ए अपॉन ए, जेड को साथ में ले लो, तो बच क्या गया अपने पास एन। ओके, इंटू 10^-3 के डब्ल्यू किलोवाट, ये यूनिट है किलोवाट में। ओके, तो यहाँ देखो पी आ गया, फाई आ गया, आई ए आ गया, जेड आ गया, अपॉन ए आ गया इंटू एन, मतलब इसको रीअरेंज किया है अपने जस्ट। ओके, तो पी फाई की जगह है यहाँ से देखो पी फाई की जगह मैं बी एवरेज इंटू पाई इंटू डी एल लिख सकता हूँ, तो वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर बी एवरेज
इंटू पाई डी एल। ओके, आई ए अपॉन ए ये क्या बन गया, आई जेड इंटू जेड एन इंटू 10^-3 और यूनिट क्या है अपनी किलो वाट। ओके, आई जेड इंटू जेड की जगह देखो यहां से आई जेड इंटू जेड की जगह लिख दूंगा ए सी इंटू पाई डी। यहाँ ए सी क्या है, स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग, तो ए सी इंटू पाई डी। डी क्या है, आर्मेचर का व्यास, ठीक है, और एल क्या है, आर्मेचर की लेंथ, लास्ट लेक्चर में मैंने बता दिए थे ये सब। तो पी ए इजकस टू बी एवरेज इंटू पाई इंटू डी इंटू एल, आई जेड इंटू जेड की जगह मैंने अभी बताया ए सी इंटू पाई डी टू एन इंटू 10^-3 और यूनिट हो गई किलो वाट। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, देखें इक्वेशन हो गई। अब इस इक्वेशन को थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, पाई इंटू पाई कितना हो गया पाई स्क्वायर। ओके, बी एवरेज इंटू ए सी, इन दोनों को यहां लिख देते हैं, बी एवरेज इंटू ए सी इंटू 10^-3, इसको भी ले आए 10^-3, बच क्या गया डी इंटू डी, डी इंटू डी, डी स्क्वायर, एल बच गया एल, एन बच गया, इसको ले लो एन, यूनिट हो गई किलो वाट। ये सब कॉन्स्टेंट हैं, किसी भी मशीन के लिए फिक्स अपन पहले ही नेम प्लेट पर दिया होता है, पाई जिसकी वैल्यू फिक्स ही है, बी एवरेज स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग फिक्स बता दी जाती है, स्पेसिफिक करंट लोडिंग इंटू 10^-3 फिक्स वैल्यू। ये क्या है, डी डायमीटर ऑफ आर्मेचर, इसको आपको अपने हिसाब से वेरी करना है कि कितना रखना है अपने को, ये आर्मेचर की लेंथ है और ये आपकी स्पीड है आरपीएस में, रोटेशन पर सेकंड में। तो पी ए आउटपुट इक्वेशन हो गई, इसको लिख देंगे सी नोट, ये कहलाएगा आउटपुट कोफिशियंट। तो पी ए इज कस टू सी नोट, इस पूरे को यहां से यहां तक डी स्क्वायर एल एन, यूनिट हो गई किलोवाट। ये कहलाती है हमारी आउटपुट इक्वेशन ऑफ डीसी मोटर। यहां सी नोट इसकी वैल्यू है पाई स्क्वायर बी एवरेज ए सी इंटू 10^-3, यहां से देख सकते हैं कहते क्या है सी नोट को, आउटपुट कोफिशियंट, आउटपुट कोफिशियंट, आउटपुट कोफिशियंट। ओके फ्रेंड्स, ये थी अपनी आउटपुट इक्वेशन ऑफ डीसी मशीन, और ये क्वेश्चन बार बार घूम घूम के पूछते हैं। ओके, यदि बात करें जनरेटर की, तो जनरेटर के केस में, जनरेटर के केस की बात करें तो इन द केस ऑफ जनरेटर पी ए क्या कहलाएगी, जो अपन ने इनपुट दिया, इनपुट क्या होता है, मैकेनिकल इनपुट होता है, उस इनपुट में से कुछ लॉसेज हैं जिनको अपन माइनस कर दें, जैसे फ्रिक्शन लॉस है जिसको अपन हिंदी में घर्षण बोलते हैं, घर्षण को विंडेज एयर की वजह से, ना विंडेज लॉस हो गया, तथा कोर लॉसेज, कोर लॉसेज, इनको यदि अपन माइनस कर दें तो उसके बाद में इनपुट मतलब मैकेनिकल इनपुट दिया उसमें से फ्रिक्शन लॉस को माइनस कर दो, विंडेज लॉसेज को कर दो और कोर लॉस को घटा दो, इन सब लॉसेज को यदि अपन घटा देते हैं तो अपने को आर्मेचर पे प्राप्त पावर मिल जाएगी, जो आर्मेचर पे पावर है। ओके, देखो यहां ध्यान से मैं थोड़ा बता देता हूं आपको, ये जैसे अपना रोटर है, ठीक है, इसके अंदर ये कंडक्टर है। ओके, अपन ने इसकी शाफ्ट है, इसको रोटेट कराया किसी भी प्राइम मूवर से, बाहर से अपन ने अपने हाथ से घुमाओ या जो भी आपके पास व्यवस्था है उससे घुमाओ, टर्बाइन से कनेक्ट करो, तो जो अपन ने इनपुट एनर्जी दी उसको पी इनपुट बोलते हैं, यहाँ पर P
एसपी इनपुट। तो ये कहाँ कहाँ खर्च होगी, तो सबसे पहले तो यहाँ लॉसेज होंगे, तो जैसे बियरिंग है तो कुछ तो फ्रिक्शन लॉस में जाएगा, उसके अलावा एक लॉस होता है विंडेज लॉसेज, एयर भी तो है ना, एयर की वजह से भी तो कुछ फोर्स मिलेगा यहाँ पर, तो उसकी वजह से भी कुछ लॉस होगा, तो उसको बोलते हैं विंडेज लॉसेज, जो विंड का अपोजिशन होता है उसकी वजह से जो लॉस होता है उसको बोलते हैं विंडेज लॉसेज। ओके, उसके अलावा कोर लॉस, जो कोर के अंदर होने वाले लॉसेज हैं वो लॉस होने के बाद, जिसको आयरन लॉस बोलते हैं अपन, आयरन लॉस होने के बाद में जो पावर पहुंचेगी वो अपने इस आर्मेचर पर पहुंचेगी, और इस आर्मेचर पर पहुंचने वाली पावर को बोल देंगे पी ए। तो पी इनपुट में से इन लॉसेज को मैंने घटा दिया, उसके बाद पी ए मिलने वाली है। अब मैं कह रहा था कि यदि अपन आउटपुट पावर की बात करें कि आउटपुट पावर क्या होगी, तो आउटपुट पावर के टर्म्स में पी ए को बताएं, तो पी ए इक्वल टू होता है आउटपुट, तो हमें कुछ कमी मिलेगी, पी आउटपुट कम मिली, लेकिन ये कम कहाँ हुई, तो पी ए में से कौन से और लॉसेज हटा दें, तो आउटपुट में से कॉपर लॉस हटा दो जो आर्मेचर के अंदर होंगे, प्लस फील्ड कॉपर लॉस हटा दो, फील्ड के अंदर भी तो लॉस हो जाते हैं, फील्ड कॉपर लॉस, फील्ड के अंदर होने वाले कॉपर लॉस, ये जो लॉसेज हैं ये पी ए के बाद में होंगे, पी ए में से इन लॉसेज को आप घटा दोगे तो अपने को आउटपुट पावर मिल जाएगी। ठीक है, तो देखो यहां पर देखो, इसके बाद में यहां अपन एक वो लगाते हैं कम्यूटेटर, कम्यूटेटर पर क्या लगाएंगे, ब्रुश, और ब्रुश से ये अपने को आउटपुट मिल जाएगा, और यहां पर मिलने वाली जो पावर है, जनरेटर केस की बात करो, यहां पर जो हमें मिलने वाली पावर है उसको बोलते हैं आउटपुट पावर, पी आउटपुट। तो देखो पी ए जहां जनरेट हुई, पी ए जनरेट होगी, उसके बाद में कौन कौन से लॉसेज हुए, इस आर्मेचर के अंदर लॉसेज होंगे, तो अंदर होने वाले लॉसेज कौन से आर्मेचर के अंदर, कॉपर लॉस, तो आर्मेचर के कॉपर लॉस, जिसको आई स्क्वायर आर लॉस कहते हैं। ओके, उसके अलावा जो फील्ड है, पोल बनाते हैं एन पोल एस पोल, तो ये संट टाइप का है, तो उसको सप्लाई यहीं से जाती है, यहां से टैपिंग दे देते हैं इसको, और यहां से दे दिया इसको, इस तरीके से सप्लाई दे दी, तो जो सप्लाई दी है फील्ड को सप्लाई दी है, तो उसकी वजह से फील्ड के अंदर भी क्या हो गए, कॉपर लॉस। तो पी ए में से इन दोनों लॉसेज को माइनस कर देंगे तो हमें आउटपुट मिलेगा, तो पी आउटपुट लिख सकते हैं, पी आउटपुट, तो जो हमने आउटपुट इक्वेशन निकाल दी पी ए, उसमें से पी कॉपर किसका, आर्मेचर का हटा दो, माइनस पी कॉपर किसका, फील्ड का, ये दोनों माइनस कर दो, इन दोनों को अंदर लिखना है तो प्लस से लिखते हैं, इन दोनों को माइनस कर दो किसमें से, आर्मेचर पावर में से, तो हमें आउटपुट पावर मिल जाएगी। लेकिन यदि क्वेश्चन में कह दिया जाए कि इफिशियंसी 100% है, अर्थात कोई लॉस नहीं हो रहा है, उस केस में पी आउटपुट किसके बराबर हो जाएगा, पी ए के बराबर हो जाएगा। तो अपने को क्वेश्चन में जब अपन न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो देखेंगे वहां पर ये लॉसेज आपको नहीं बताते हैं, अपने को बताते हैं इफिशियंसी, जिसको लिखते हैं नीटा से। तो एफिशिएंसी के बारे में चर्चा कर लेते हैं, ये देखो वो बताएंगे अपने को एफिशिएंसी। तो यदि एफिशिएंसी अपने को दे दी जाए और निकालना क्या हो, पी ए, ठीक है, तो देखो एफिशिएंसी इक्वल्स टू होता है पी आउटपुट अपॉन पी इनपुट, आउटपुट पावर अपॉन आउटपुट एक्टिव पावर अपॉन इनपुट एक्टिव पावर। ओके, तो यदि पी इनपुट को अपन पी ए के बराबर मान ले, यदि विंडेज लॉसेज को, कौन कौन से लॉसेज को नेग्लेक्ट कर दिया अपन ने, कौन कौन से लॉसेज को नेग्लेक्ट कर दिया, विंडेज, पहले फ्रिक्शन लिख दो, फ्रिक्शन लॉस कोमा विंडेज लॉसेज, विंडेज लॉसेज कोमा कोर लॉसेज, इनको यदि अपन नेग्लेक्ट कर दें, उस केस के अंदर पी इनपुट पी ए के बराबर हो जाएगी, अर्थात आर्मेचर पावर के बराबर हो जाएगी, तो उस केस में इफिशियंसी इज इक्वल टू पी आउटपुट जो टर्मिनल पर मिल रही अपॉन आर्मेचर पे जो पावर आई पी ए, उसके बराबर हो जाएगा। निकालनी क्या है हमें, पी ए, तो पी ए इज इक्वल टू हो गया पी आउटपुट अपॉन इफिशियंसी, ये फॉर्मूला हमें काम आने वाला है। पी ए जो अपने आउटपुट इक्वेशन है वो पी ए के टर्म्स में ही है, यदि न्यूमेरिकल में आउटपुट पावर हमें दे दें और इफिशियंसी दे दें तो इन दोनों को डिवाइड करके पी ए निकाल सकते हैं, और यदि इफिशियंसी ना दी जाए तो उस केस में अपन इफिशियंसी को 100% मान लेंगे और पी ए और पी आउटपुट को बराबर कर देंगे।
ओके, ये केस हो गया जनरेटर का। बात करते हैं मोटर के केस की, तो मोटर के केस में बस डायरेक्ट याद रखने, इन केस ऑफ मोटर पी ए को पी आउट के बराबर ही मानते हैं। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ। ओके।